चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो हाल ही में किस भारतीय इंस्टीट्यूट के साथ यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना है आपको और इसकी संस्था कहाँ पर है। ठीक, तो हाल ही में किस भारतीय इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट मतलब होता है संस्था ने, यूनिसेफ एक संस्था है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, जिसने निमोनिया, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है सभी को कि ये किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, उसका नाम क्या है। तो इन्होंने, वेरी गुड, लेकिन बताना है जिसको, चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन जिसको बताए बिना गूगल के हुए, अगर नहीं आता हो तो गूगल भी कर लीजिएगा। तो वैक्सीन मतलब टीका, क्या होता है टीका, गरीब राज्यों तक तो पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के लक्षण किस जैसे हैं, किसके जैसे हैं, और निमोनिया से क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो इसमें भी क्या देखा गया, पहले जब आया पहली बार तो लोग सोचे ये कौन सी बीमारी, तो लगा निमोनिया है। बाद में क्या हुआ कि नहीं, निमोनिया ऐसे लक्षण तो लग रहे हैं बट निमोनिया ये नहीं है, ये कोई नया बीमारी है। तो उसका नाम तो सब जानते हैं, COVID-19, कोरोना वायरस डिसीज 19, क्योंकि 19 क्यों पड़ा कि वर्ष 2019 में रिपोर्ट की गई। ठीक, तो इसको किसके साथ किया गया है, किस किस संस्था के साथ, किस इंस्टीट्यूट के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये आपको बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। सीरम क्या होता है, सीरम प्लाज्मा में अगर प्रोटीन निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया जाए, प्लाज्मा में अगर प्रोटीन निकाल लिया जाएगा तो बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक, तो बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर, यूनिसेफ संस्था के साथ मिलकर निमोनिया के लिए वैक्सीन दिया है किस राज्यों को, गरीब, जो पुअर हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते, प्रयास नहीं कर सकते, गरीब जानते हो कितना मुश्किल है, वैक्सीन क्या उनके पास, दवाई का नहीं, पैसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज्ड सिंस 2019 पर। न्यूक्लियर वेपन मतलब, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, और इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए, तो वेपन मतलब औजार यानी हथियार, तो न्यूक्लियर हथियार को बढ़ाने के लिए यानी परमाणु हथियार को बढ़ाने के लिए, सिंस मतलब 2019 से, सिंस मतलब से, तो 2019 से आधारित सिप्री, सिप्री एक रिपोर्ट होती है, क्या होती है, तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिप्रीज ईयर बुक में भारत की रैंक क्या दी गई है, तो सिप्री ने रैंक दिया, भारत की रैंक कौन सी दी है, 6, यानी न्यूक्लियर वेपन में सबसे तेजी से इंक्रीज करने में भारत का कौन सा रैंक है, भारत का कौन सा रैंक है, 6 रैंक है। सबसे नंबर वन पे कौन सा है, US, दूसरे नंबर पे कौन है, रशिया, तीसरे पे कौन है, UK, तो पहला US यानी US से मतलब अमेरिका, दूसरा रशिया, रशिया का पूर्व नाम क्या था, USSR, तो मैंने पढ़ाया था कि USSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या, समझ गए होंगे ना, UK किसे बोलते हैं, ब्रिटेन को, UK मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड को बोलते हैं। ठीक, तो सबसे नंबर वन पे कौन रहा न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज करने में, अमेरिका, दूसरा किस, कौन सा, रशिया है मतलब रूस, और तीसरे नंबर पे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, जो भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ब्रिटेन के जानते होंगे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, चलिए ठीक, बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली में बनाई जाएगी, क्वेश्चन पूछेगा भारत किस केंद्र शासित राज्य या राज्य में सबसे बड़ी COVID-19 फैसिलिटी बनाई जाएगी, यानी जानते हो दिल्ली में कहाँ बनाएगी, तो ये दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और हमारी राजधानी भी है, तो यहाँ सबसे बड़ी क्या बनाई जाएगी, COVID-19 फैसिलिटी, जिसका नाम क्या रखा गया है, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर। राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर का मतलब आध्यात्मिक, या एक आध्यात्मिक सेंटर है। ठीक, जहाँ पे कितने बेड दिए जाएंगे, 10,000 बेड होंगे, वहाँ पे कूलर, फैन और सारी सुविधा, वहाँ पे टेंट की भी सुविधा की जा रही है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी सुविधा की जा रही है, क्योंकि 10,000 बेड वाली क्यों रखा गया, स्टेडियम क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे संख्या क्या हो रही है, COVID-19 पेशेंट की संख्या इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, क्या होती जा रही है, इंक्रीज मतलब बढ़ती जा रही है। भारत बना, बहुत बढ़िया, हम सबके लिए बहुत बढ़िया, अच्छा संकेत है, भारत बना किसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक, टेम्परेरी तो यानी कि कुछ साल के लिए बना होगा, टेम्परेरी मतलब कुछ साल के लिए बना होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, क्या
सदस्य, तो कितने साल के लिए बना है? कितने साल के लिए बना है? दो साल के लिए बना है। अच्छा, कार्यकाल इसका कब स्टार्ट होगा? जब सदस्य बनेगा, सदस्य का, जब ये सदस्य बनेगा, कौन सा सदस्य? आ किसका बनेगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। दो साल के लिए सदस्य बनेगा, उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा कार्यकाल। किसका? इंडिया का। किसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा? तो कार्यकाल को बोलते हैं इंग्लिश में टेन्योर। क्या बोलते हैं? TENURE, टेन्योर। ठीक, टेन्योर। तो इसमें वोटिंग भी होती है, ऐसा नहीं कि बना दिया गया। ठीक, क्या होती है? तो भैया वोटिंग होती है। कितने सदस्य होते हैं? देश ने शामिल हुए 193 सदस्यीय महासभा बैठी, जिसमें से भारत के पक्ष में 184 देश ने क्या किया, 184 सीट हमने जीता। यानी 184 सीट का मतलब 184 मेंबर ने हमारा साथ दिया। बचे कितना? 9, 84, 6, 90, 3। यानी 9 सदस्य हम लोगों का साथ नहीं दिए, तो कौन सा हो सकता है? पाकिस्तान, चाइना, ठीक, नॉर्थ कोरिया, यही सब हो सकता है। ठीक, उम्मीद करता समझ में आ रहा हो। नेपाल भी हो सकता है, अब तो नेपाल भी आ गया। ठीक, तो बताओ कितने सदस्य महासभा थी? 193, जिनमें कितने लोगों ने हमारा साथ दिया? तो आओ हम सब सदस्य बने। अब आपको बताना है इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ आयरलैंड भी बना। कौन बना? आयरलैंड और मेक्सिको, ये भी संयुक्त राष्ट्र सभा का क्या बना? अस्थाई सदस्य बना। तो भारत भी उसमें शामिल है, भारत के साथ आयरलैंड और मेक्सिको। ठीक, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी की 52 संदिग्ध, संदिग्ध को बोलते हैं सस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध लिया गया है, चीनी ऐप्स को की सूची को। मतलब हम जो वर्तमान में अपने एंड्रॉयड सेट में जो प्रयोग करते हैं बड़े वाले मोबाइल में, देखिए कौन सा मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल जो प्रयोग करते हैं, इसमें 52 सस्पेक्ट संदिग्ध इसमें यूज किए गए हैं, जिसमें शेयरइट जो कि चाइनीज ऐप है, पबजी क्या है चाइनीज ऐप है, और आपके क्या है टिकटॉक, लाइकी जो भी आ रहे हैं सारी चीज। तो ये क्या है, ये क्या होता है, आपके जो जरूरी अलाउ मांगता है, अलाउ मतलब परमिशन मांगता है आपसे, किसकी परमिशन मांगता है? गैलरी की, फोटो की, मीडिया की। तो आपकी जो खुफिया जानकारी, जो आप पर्सनल चीज़ें भी रखते हैं, जो आपका संविधान देता है निजता का अधिकार, किसका अधिकार? राइट टू प्राइवेसी। तो ये आपको बताना है राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? वैसे निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट है। ठीक, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया। किसे लिया गया? तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है, हम सबकी जरूरी चीज़ें भी उनके पास जा रही है। तो इसको संदिग्ध लिया है, किसने बताया है? देश की खुफिया जानकारी से संबंधित ये मिला है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया कि 52 संदिग्ध हैं, इसको प्रयोग ना करें, इसको ब्लॉक करने की। किसको? ये 52 जो चाइनीज है, जिसमें सेरिट भी आता है, सेरिट से देखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फाइलों को। तो हम क्या फाइलें ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको या आप हमें कर रहे हैं, तो वो भी उसका पूरा ब्यौरा कहाँ जा रहा होगा? चाइना के पास जा रहा होगा। ठीक, तो ये इसको ब्लॉक करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि भारत अब पूर्णतया भारत अपना नया ऐप बनाए, स्वदेशी ऐप, क्योंकि यही समय है। बार बार कहने से मतलब नहीं होगा कि हम स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बहिष्कार करो, पूरी तरह से विदेशी नहीं, विदेशी में अगर हम चले। ठीक है, अभी हमारे पास आपको पता होगा भारत का पूर्ण रूपेण भारतीय मोबाइल लावा है। क्या है? लावा है, जिसका अभी पूरी तरह से हम सब जानते भी नहीं है और प्रयोग भी नहीं करते, बिकॉज उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है। लेकिन हम ओप्पो जैसे हम भी यूज़ करते हैं, अब नहीं यूज़ करेंगे, मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है, लेकिन असेंबल्ड जो चीज़ें उसमें बन के आती हैं, कहाँ से बन के आती हैं? चाइना से ही बन के आती हैं। तो इसका हमको बहिष्कार करना है, अब कुछ नहीं लेना है सबको। हाँ, हम सैमसंग मोबाइल ले सकते हैं, सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई मोबाइल है, उसको ले सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ से तौबा करना है। क्या करना है? हम तो गोली मार देंगे सबको। ठीक, अरे मजाक कर रहे हैं, गोली क्या, सबको करना है। ठीक, तो स्वदेशी मूवमेंट, तो अब पता होगा जब बंगाल में विभाजन हुआ था 1905 में, जब फूट डालो राज करो की राजनीति की गई थी 1905 में, जब बंगाल का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, तब 1905 के बाद 1906 से लेकर 1911 तक, ये GS का हो जाएगा आपका क्वेश्चन, पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, 1906 से लेकर 1911, कब? बंगाल विभाजन के बाद, जब लड़ाया गया हिंदू मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में, उसके बाद दोनों में भाईचारा हुआ हिंदू और मुसलमान को, जाने कि ये हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं और भारत को पूरी तरह से अखंडता वाला जो राज है उसको खंडित कर रहे हैं, अखंडता वाला देश है उसे खंडित कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ नहीं चली, और 1906 से 1911 लगभग 5 साल तक चली। उसी के बाद भारतीय बैंक का भी सुधार होने लगा, कई सारे भारतीयों द्वारा संचालित भारतीय बैंक, जिसमें से आप जो आज यूज़ कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा,
इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इसी दौरान केनरा बैंक, सब इसी दौरान क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला हुआ, अच्छा लग रहा है, हैं? फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मतलब कॉम्पिटिटिव, आपके अंदर कितना टैलेंट है, ठीक। आप क्या देते हैं इस समय, पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो क्या होता है, कंपटीशन होता तो निकाल पाएंगे। तो एक सूची जारी की, ग्लोबल मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसका, 2020 का। ये किसके द्वारा, ये बहुत बार पेपर में आता है, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के द्वारा में भी आता है और आईएएस मेंस में भी आता है, कि ये कौन जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अच्छा, भारत की रैंक क्या दी गई है इस बार, 43rd, यानी 43वीं रैंक दी गई है। क्वेश्चन ये पूछा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा, सिंगापुर, सेकंड स्थान पर कौन रहा और थर्ड स्थान पर कौन रहा, ये 10वीं क्वेश्चन नहीं है, आज आपको इतना क्वेश्चन मिला होगा इसमें। तो पहले नंबर वन पे बताइए कौन है, सिंगापुर, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, भारत की रैंक कौन सी रही। अब आपको बताना है भारत की रैंक 2019 में, 2018 में और 2017 में, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आप बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताएंगे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2019 में कौन सी रही, 2018 में कौन सी रही और 2017 में कौन सी रही। चलिए बता देते हैं, 2018 में भी रैंक कितनी थी, 43, और 2019 में हमारी रैंक थी 44वीं, जो आपको बताना है 2017 की कौन सी रैंक थी, ठीक। अब अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम किस कहाँ पर रहते हैं, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यूपी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, हमारा यूपी है ना। तो उत्तर प्रदेश बना मनरेगा, MNREGA, तो इसका मनरेगा का फुल फॉर्म बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स, तो ठीक। तो उत्तर प्रदेश बना मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मनरेगा के तहत, किसके तहत, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार एम्प्लॉयमेंट किस राज्य ने दिया, तो उत्तर प्रदेश ने दिया। लगभग सोच लीजिए 57 लाख से अधिक रोजगार देकर भारत का पहला राज्य बना जो सबसे अधिक क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, क्योंकि जानते हैं सारे माइग्रेंट्स वर्कर या लेबर, माइग्रेंट्स वर्कर या लेबर क्या होते हैं, जो बाहरी प्रवासी मजदूर या प्रवासी श्रमिक, कहाँ गए, अब अपने जगह आ चुके हैं, तो अब संख्या उनकी बढ़ गई और काम तो कुछ है नहीं, तो काम करने के लिए उनको कौन सी योजना के तहत रोजगार दिया रहा है, मनरेगा के तहत। कितने लाख से अधिक रोजगार दिए गए हैं, 57 लाख, जो कि बहुत बढ़िया, नहीं तो भूखों मर जाएंगे और सुसाइड बाद में कर लेते हैं ना। तो यही चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोरोना महामारी से कार्यस्थलों को बचाने के लिए IISC का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंडियन, आई फॉर इंस्टीट्यूट, SC मतलब साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या विकसित किया है, तो वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पूछाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने कोरोना वायरस, किसको, कोरोना महामारी से कार्यस्थलों, कार्यस्थल का मतलब क्या होता है, कार्यस्थल जहाँ पर आप काम करते हैं, वर्क प्लेस, जैसे कि आपकी ऑफिस हो सकती है, ऑफिस को साफ करने के लिए कि डिसइंफेक्ट हो गया हो, या वहाँ पर कोरोना वायरस ना हो, या कहाँ पर संस्था में अगर वो संक्रमण फैल गया हो, किसका, कोरोना वायरस का, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी उसको इन्फेक्शन से हटाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस, रेडीनेस एक इंडिकेटर है, इसको ऑनलाइन इसको ऑन किया जाएगा, जिसके द्वारा उसको लाया जाएगा उस प्लेस पे और लगाया जाएगा, तो ये बताएगा कि यहाँ पे क्या है, ये एरिया सही नहीं है, यहाँ कोरोना वायरस है, तो उसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये किसके द्वारा किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये भी आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। अच्छा, इसका सहयोग किसने दिया, अकेले तो कर नहीं सकता, तो पैसा भी चाहिए कुछ बनाने के लिए, कुछ पोर्टल बनाने के लिए, तो इसका सहयोग किया कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एथोराइजेशन बोलते हैं इसे, ठीक। अच्छा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम येदियुरप्पा है, BS येदियुरप्पा, जो कि अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, मतलब बढ़िया है, अपनी तरह से काम करते हैं, ठीक, भारत के हिसाब से बढ़िया ही है, ठीक। अगर बात कीजिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, ठीक, कौन सी है, ईटानगर नहीं है, चलिए
बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताइएगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश ने खोजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली की नई प्रजाति खोजी है मछली की, ये अब हर एग्जाम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक, साइजोथोरेक्स, क्या नाम है इसका, तोड़ के पढ़िए, साइजोथोरेक्स, थोरेक्स हमारा ये पार्ट होता है, ये वाला, ठीक, गले वाला पार्ट, साइजोथोरेक्स सीकू साइरोमेंसिस, सीकू साइरोमेंसिस इस नाम की प्रजाति है, मछली का नाम रखा गया है साइजोथोरेक्स सीकू साइरोमेंसिस नाम की प्रजाति है। इसको किस विभाग ने खोजा है, तो जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी इसे बोलते हैं, जंतु मतलब जिस पर, किस पर अध्ययन करता है जंतु विज्ञान, जंतुओं पर यानी जानवरों पर। अच्छा, किस कॉलेज ने किया है, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के केशव, डॉक्टर केशव जी ने इसको खोजा है, किसको, किसने खोजा है डॉक्टर बताओ, केशव जी ने खोजा है। अच्छा, ये कहाँ पाई गई, देखिए खोज अरुणाचल प्रदेश में दो नदी है उसी में पाई गई है मछली, सीकू और सीरम नदी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया किस दो नदियों के नाम से इसका नाम पड़ा, सीकू और सीरम नदी, कहाँ पे पड़ती है ये, यहाँ पे क्या पाई गई मछली की नई प्रजाति, नई स्पीशीज, दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीकू सीरम, इसी के नाम पे सीकू सीरम नदी पे पाई गई, इसीलिए नाम भी रख दिया गया सीकू सीरम। ठीक, इतना उम्मीद करता समझ में आया होगा। किस देश के पहले राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, किस देश के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव का कोविड 19 टेस्ट क्या हुआ, पॉजिटिव आया। अभी हाल ही में नूर सुल्तान नजरबायेव को थोड़ा खांसी आ रही थी और फीवर था, जिससे उनको तुरंत टेस्ट किया गया, किसका, कोविड 19 टेस्ट, और उसमें क्या निकले, ये पॉजिटिव। तो पहले राष्ट्रपति, तो विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, नूर सुल्तान नजरबायेव। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप सारे आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप। ठीक, ईटानगर, ठीक।